जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरना है, लेकिन समस्याएं बहुत है यार, है ना, बहुत सारे कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें, ये कैसे भरे, है ना। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आपने अगर इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है ना तो प्लीज जरूर कीजिएगा, और जवाहर नवोदय विद्यालय की कोचिंग और जवाहर नवोदय विद्यालय से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। तो भाई सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा जवाहर नवोदय विद्यालय की घर बैठे कोचिंग प्राप्त करने के लिए। हमारे एंड्रॉइड ऐप को आज ही इंस्टॉल करके कोर्स रजिस्टर कीजिएगा। बच्चों नवोदय विद्यालय का जब फॉर्म भरते हैं ना तो इस सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ता है। ये सर्टिफिकेट पहले अपने स्कूल के हेडमास्टर साहब अपने को भर के देते थे, ये रूल था, लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय ने इसको चेंज कर दिया। अब इस सर्टिफिकेट को स्टूडेंट को खुद को भरना है, उसके पेरेंट्स को भरना है। अब घर बैठे जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म कैसे भरे, क्योंकि फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 30 नवंबर 2021 रखी गई है। फॉर्म कैसे भरना है, वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, तो ठीक है। अब इस फॉर्म को कैसे भरना है, इस सर्टिफिकेट में क्या क्या गलतियां हो सकती है जो हमें नहीं करनी है, और इसको कैसे एकदम एक्यूरेट भरकर अपलोड करना है जिससे कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो, ओके बच्चों। और अगर किसी बच्चे ने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया है और ये गलतियां हो चुकी है तो उनसे रिक्वेस्ट यही है कि फिर से फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, पहले वाले फॉर्म को छोड़ दीजिए, नया फॉर्म डाल दीजिए, ठीक है भाई। चलिए अब बच्चों देखिए, सबसे पहले तो इसको डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड कहां करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ऑलराउंडर बीएसएस की वेबसाइट का, वहीं पर आपको ये जो है सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद बच्चों ये आपके सामने है। इसमें सबसे पहले बच्चों यहां पर स्टूडेंट का एक पासपोर्ट साइज का फोटो होगा। पासपोर्ट साइज के फोटो में ध्यान रखें, ये एक्शन वो एक्शन ऐसा एक्शन, ये एक्शन का फोटो नहीं होना चाहिए। सिंपल सा ऐसा फोटो जिसके अंदर दोनों कंधे दिखने चाहिए और स्ट्रेटली बिल्कुल साफ बैकग्राउंड या फिर व्हाइट रेड कोई भी है, लेकिन बैकग्राउंड एकदम नॉर्मल बैकग्राउंड होना चाहिए। उस बैकग्राउंड के साथ आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो यहां पर पेस्ट करना है, चिपका देना है गूंद से किसी से भी, ठीक है। अब फोटो यहां पर चिपका दिया आपने, फिर सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ नेम ऑफ द स्टूडेंट। बच्चों यहां पर स्टूडेंट का नाम आएगा, जैसे कि मैं एक स्टूडेंट का नाम लिखता हूं यहां पर बच्चों, ठीक है। जैसे कि मैं लिखता हूं राजवीर, ठीक है, तो आर ए जे वी डबल ई आर राजवीर, ये मैंने बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर में नाम लिख दिया। उसके बाद Who is studying in class 5th in? बच्चों स्कूल का नाम, आपके स्कूल का जो नाम है ना वो आपको लिखना है। जैसे कि मेरे स्कूल का नाम मान लीजिए है आदर्श विद्या मंदिर, तो मैं यहां पर लिखता हूं ए वी एम पोकरण, ए वी एम पोकरण, ये मैंने लिख दिया मेरी स्कूल का नाम। अब स्कूल का नाम लिखने के बाद बच्चों क्या करना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स, बड़े अक्षरों में नाम लिखना है। बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर किया है ना आपने, जरूर कीजिएगा बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों बच्चे का नाम जो है ना ये यहां पर कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे कि मैं नाम लिखता हूं राजवीर, आर ए जे वी डबल ई आर, अब ये नाम लिखना है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, राजवीर सिंह, राजवीर लाल, राजवीर राम, भाई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं ना पांचवी में, वहां पर आपका नाम क्या है, आपका नाम सिर्फ राजवीर है तो सिर्फ राजवीर लिखिए, राजवीर सिंह है तो राजवीर सिंह पूरा लिखना पड़ेगा। जी नहीं लिखा तो ये सर्टिफिकेट गलत माना जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, ठीक है। एक स्पेलिंग की भी गलती यहां पर नहीं चलेगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती से जल्दबाजी में क्या करते हैं, वो राजवीर में वी की, जैसे कि यहां पर उसकी स्कूल में है वी दो बार है, सॉरी ई दो बार है, बच्चे क्या करते हैं वी आई आर कर देते हैं राजवीर, तो ये गलत हो गया। स्पेलिंग में भी छोटी सी भी गलती अपने को नहीं करनी है। ये तो हो गया अपने बच्चों कि भाई कैंडिडेट का नाम यहां पर लिख दिया। फिर बच्चों क्या करना है, फादर्स नेम, फादर्स नेम में भी वही है, जो आपके पापा का नाम आपकी स्कूल में जो चल रहा है ना फादर्स नेम, वो सेम का सेम यहां पर भरना है। जैसे कि मान लीजिए मोहनलाल नाम है, ठीक है, तो एम ओ एच ए एन एल ए एल, तो ये आपको एकदम सही से भरना है। ये अगर आपने यहां पर गलती की ना तो भी फॉर्म रिजेक्ट, मतलब एक भी कॉलम एक भी इंफॉर्मेशन गलत अपने को नहीं भरनी है, ये भरी तो फॉर्म रिजेक्ट, ठीक है। चलिए फिर आपको बच्चों मदर्स नेम, जो आपके स्कूल में मदर्स नेम चल रहा है वो सेम नेम यहां पर लिखना है। जैसे कि सीता देवी है मान लीजिए, तो सीता देवी, सीता देवी, ये मैंने भर दिया।
फिर बच्चों क्या करना है, नेम ऑफ द गार्जियन एंड रिलेशन इफ एनी, मतलब कि मान लीजिए किसी बच्चे के पेरेंट्स नहीं है या फिर उस बच्चे की देखभाल उसकी पेरेंट्स नहीं बल्कि उसके गार्जियन कर रहे हैं, चाचा चाची ताऊ ताई बुआ कोई भी हो सकता है ना, अगर वो है तो आपको इसमें भरना है उनका नाम और उनके साथ आपका क्या रिलेशन है। और अगर कोई नहीं है, मान लीजिए आप अपने खुद के पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं, आपकी सारी परवरिश आपके माँ बाप ही करते हैं, तो उसको डैश कर दीजिए, खाली छोड़ दीजिए, ठीक है भाई। चलिए डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी स्कूल में क्या दी हुई है, आपके आधार कार्ड में क्या है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके आधार कार्ड में गलत है तो भाई जाकर के ठीक कीजिए उसको। आपकी डेट ऑफ बर्थ सिर्फ और सिर्फ आपकी स्कूल की मार्कशीट, आपकी स्कूल के ट्रांसफर सर्टिफिकेट में क्या दी हुई है वही माननी होगी, ठीक है भाई। तो यहां पर डेट ऑफ बर्थ सही से भरना है, जैसे कि मेरी है, मान लीजिए मैं एक डेट ऑफ बर्थ भर रहा हूं 7 मार्च है, मान लीजिए 07/03/2009। बच्चों देखिए इसमें काटा छाटी बिल्कुल मत करना, जी अगर मान लीजिए कहीं पर हो गई है तो उसको फाड़ के फेंकना, नया प्रिंट लाना, फिर से भर देना, ठीक है, क्योंकि रिस्क हमें नहीं लेनी है। 07/03/2009 इस प्रकार से अपने को भर देनी है। इन वर्ड्स मतलब कि शब्दों में लिखना है, शब्दों में हम कैसे लिखते हैं बच्चों, 7, ये बच्चों मैं हिंदी में भर रहा हूं, आप हिंदी में भी भर सकते हैं, इंग्लिश में भी भर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इंग्लिश में भर के आपको दिखाता हूं, ठीक है, एक सेकेंड है, इंग्लिश में भर के आपको दिखाता हूं। चलिए 7th of March 2009 या फिर 7 मार्च 2009, इस प्रकार से हिंदी में भी आप इसमें लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद बच्चों आपको आपका जेंडर चूज करना है, ओबीसी हो, सॉरी जेंडर का मतलब बॉय हो गर्ल हो ट्रांसजेंडर हो जो भी हो, उसके बाद आएगा बच्चों आपकी कैटेगरी ओबीसी जनरल एसटी एससी जो भी होगा, ठीक है। तो बच्चों जैसे कि बॉय है तो बच्चों क्या करना है, टिक मार्क करना इस प्रकार से, बस यहां पर टिक करना है, बाकी कहीं पर भी कुछ भी नहीं करना, खाली छोड़ दो। फिर बच्चों जनरल एसटी एससी ओबीसी कौन सी कैटेगरी है आपकी, जैसे कि आप अगर ओबीसी है तो ओबीसी के ऊपर टिक कर दो, एसटी है तो एससी के ऊपर टिक कर दो, एससी जो भी है आपका उसके ऊपर टिक कर दीजिए, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। फिर नेचर ऑफ डिजेबिलिटी इफ एनी, मतलब कि आप अगर फिजिकली हैंडीकेप्ड है, आपके पास सर्टिफिकेट है, वैलिड सर्टिफिकेट है, तो आप कौन से हैंडीकैप है, मतलब कि बहुत प्रकार के होते हैं ना, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, विजुअली इंपायर्ड है, हियरिंग इंपायर्ड है, कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास है, अगर है तो ठीक है वरना इसको छोड़ दीजिए, इस कॉलम को आप बिल्कुल भी खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क। आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है बच्चों, जैसे कि बहुत सारे बच्चों के क्या होता है बच्चों पता है, सिर के ऊपर मान लीजिए कभी अगर मोटरसाइकिल से गिर गया, दौड़ते दौड़ते गिर गया, चोट का मार्क है, यहाँ पर मार्क हो सकता है चोट का, या फिर जो काले कलर का मोल होता है बच्चों वो भी हो सकता है ना, तो बॉडी के ऊपर कहीं पर भी कोई भी मार्क तो होगा ही ना, हाथ के ऊपर हो सकता है, गर्दन के ऊपर हो सकता है, कान के ऊपर हो सकता है, नाक के ऊपर हो सकता है, गाल के ऊपर हो सकता है, तो कुछ भी है ना, तो वो आपको भरना है। जैसे कि मेरे यहाँ पर देखिए ब्लैक कलर का ही है ना, तो मैं यहाँ पर भर सकता हूँ मोल ऑन लेफ्ट हैंड, मोल ऑन लेफ्ट हैंड। अब मैं इसको ब्लैक मोल भी कह सकता हूं कि ब्लैक मोल ऑन लेफ्ट हैंड, ऐसा मैं लिख सकता हूं, ठीक है, मतलब एक प्रकार से मार्क आपको भर देना है बच्चों। फिर आपको क्या भरना है, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, आपका एड्रेस क्या है बच्चों। तो एड्रेस में आपको क्या भरना है, सिर्फ फोन नंबर और ये नहीं भरना है, ऊपर एड्रेस भी भरना है। जैसे कि मेरा एड्रेस है मान लीजिए होम नंबर 01, ओके होम नंबर 01 भवानीपुरा, मान लीजिए ना, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर भवानीपुरा पोकरण 34/50/21, ये मेरा हो गया पिन कोड, ठीक है। तो 01 भवानीपुरा पोकरण 34/50/21 में फटाफट लिख रहा हूं, तो मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको बेस्ट अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। फिर बच्चों यहां पर मोबाइल नंबर आपको लिखना है, जैसे कि मैं मेरा लिखता हूं 7610879108, ये हमारे कस्टमर केयर के नंबर है, आपको अगर कोई कोर्स वगैरह परचेस करना है तो आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस आपको आपका भरना है, जैसे कि आपका जो भी ईमेल एड्रेस है, जैसे कि मैं भरता हूं support@allrounderbss.com,
कॉम, मान लीजिए ये है, ठीक है। तो बिल्कुल इसको छोटे से भरना, मतलब आप अगर पेन से भरोगे ना तो इतने से कॉलम में आपका ईमेल एड्रेस बड़े आराम से भर सकते हो, क्योंकि मैं एक मार्कर का यूज कर रहा हूँ, बड़ा बोर्ड है तो भाई स्पेस मेरे को नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको सही से अच्छी रेटिंग में इसको भर देना है। फिर बच्चों बात आती है नेशनैलिटी के बारे में। नेशनैलिटी की क्या हो गया बच्चों? नेशनैलिटी मतलब कि आप कौन है, आपका कहते हैं ना कि कौन से राष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पर इंडियन ही भरना है, क्योंकि इंडिया वाले बच्चे ही तो फॉर्म भरते हैं, और कौन भर सकता है। तो नेशनलिटी आपको भरना है इंडियन, ठीक है। ये इसके ऊपर गोला वगैरह कुछ मत करना, मैंने तो बस यहाँ पर गोला करके आपको गलती से बता दिया है। गोला वगैरह कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंपल सा लिखना है आई एन डी आई ए एन, या फिर लिखना है भारतीय। रिलीजन, बच्चों रिलीजन का मतलब क्या है? आपका धर्म कौन सा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर भरता हूँ हिंदू, एच आई एन डी यू, ठीक है, सही से स्पेलिंग मैंने ये भी भरती। फिर बच्चों मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पर गलती मत करना, क्योंकि पिछले साल भी बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर एक्चुअली मैंने गलती से है ना हिंदी मीडियम का फॉर्म भर दिया, मुझे तो इंग्लिश का भरना था। भाई तो अब क्यों बोल रहे हो, जब फॉर्म भरना था हमने आपको सारा कुछ बता दिया, एक एक कंसेप्ट आपको समझा दिया, वीडियो आपको वीडियो जो है हमने मना के दिए, फिर भी आप यहाँ पर गलती कर रहे हो, वाई इज इट? क्योंकि इसलिए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपको किस मीडियम में एग्जाम देना है, किस मीडियम में एग्जाम फाइट करना है वो आपको भरना है। जैसे कि इंग्लिश है तो इंग्लिश ई एन जी एल आई एस एच इंग्लिश मीडियम ये मैंने भर दिया, ठीक है बच्चों। इतना भरने के बाद यहाँ पर बच्चों आपको तीसरी चौथी और पांचवी के बारे में जानकारी भरनी है। कौन सी? तीसरी चौथी और पांचवी के बारे में जानकारी भरनी है। नेम ऑफ द स्कूल स्टडाइड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, स्टडाइंग इन फिफ्थ एंड विलेज प्लेस, कौन सा गांव है, कौन सी स्कूल है वो आपको भरना है बच्चों, ठीक है। तीसरी की बात करते हैं बच्चों, आप तीसरी में कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं, नेम ऑफ द स्कूल, जैसे कि ए वी एम पोकरण, आदर्श विद्या मंदिर पोकरण, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ये भी स्कूल मेरी सेम थी तो मैंने लिख दिया एवीएम पोकरण, ये भी मेरी सेम थी तो मैंने लिख दिया एवीएम पोकरण, ठीक है। तो सही से आपको, मतलब मैं ये कर रहा हूं ना घड़ 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 ये नहीं करना आपको, ठीक है, बिल्कुल सही से पेन से है ना पूरा नाम लिखना है, पोकरण का मतलब पी ओ के ए आर ए एन पूरा लिखना है, ठीक है। मैं अभी आपको फटाफट बस वीडियो बनाना है इसलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ भरना क्या है, ठीक है। यहाँ पर रूरल या अर्बन, आपकी स्कूल कौन से लोकेशन में है, स्कूल के हेडमास्टर को कॉल करके या फिर कॉन्टेक्ट करके बात कर लो कि सर ये पांचवी वाली जो स्कूल है ना मेरी ये कौन सी लोकेशन है, तीसरी वाली कौन से लोकेशन में थी और चौथी वाली कौन सी लोकेशन में थी, जो भी है बच्चों, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहां पर भरता हूं अर्बन, क्योंकि ये शहर में है स्कूल, शहर में है मतलब कि अर्बन हो गई, ये भी अर्बन में है और ये भी अर्बन में है मतलब कि शहर में है, ठीक है बच्चों। मंथ एंड ईयर ऑफ जॉइनिंग, आपने तीसरी कक्षा में कब एडमिशन लिया था, तो बच्चों मैंने जैसे कि तीसरी में लिया था एडमिशन, मान लीजिए आपको मतलब चेक करके आपको यहां पर भरना है, मानना नहीं आपको भरना है सही से, ठीक है। जैसे कि मैं यहां पर भर रहा हूं 2007 में मार्च या फिर अप्रैल 2007 मैंने भर दिया कि भाई अप्रैल 2007 में लिया था, यहां पर मैंने भर दिया अप्रैल 2008 में लिया था और यहां पर मैंने भर दिया अप्रैल 2009 भर दिया, मतलब जो भी आपका था 2020 2019 2018 जो भी है आपको सही से भर देना है, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, तीसरी कक्षा कौन से साल कौन से मंथ में पास किया था आपने, जैसे कि मैं यहां पर भरता हूं मार्च 2008 में, मार्च 2009 में और मार्च 2010 में, ये आपको बिल्कुल सही से भरना है। फिर बच्चों नेम ऑफ द ब्लॉक, ये स्कूल कौन से ब्लॉक में है, आपका ब्लॉक कौन सा है जाकर के पूछ लीजिएगा, जैसे कि मैं यहां पर भरता हूं सांकड़ा, ठीक है सांकड़ा, ठीक है एस ए एन सांकड़ा, ठीक है ये मैंने भर दिया और क्योंकि मेरा सेम स्कूल है तो भाई आपको सारा का सारा सेम भरना है, ठीक है। फिर आपको भरना है डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्कूल, स्कूल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो मैंने भर दिया जैसे कि जैसलमेर में है भाई ये तो जे ए आई एस ए एल एम ई आर, यहाँ पर भी जे ए आई एस ए एल एम ई आर, यहाँ पर भी मैंने जैसे कि अगर मेरा जैसलमेर है तो मैंने जैसलमेर भर दिया। फिर बच्चों क्या करना है, नेम ऑफ द स्टेट, कौन से स्टेट में स्कूल है, जैसे कि राजस्थान है तो आर ए जे ए एस टी एच ए एन, आर ए जे ए एस टी एच ए एन, आर ए जे ए एस टी एच ए एन, ये मैंने भर दिया, ठीक है बच्चों। चलिए अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, या फिर जय नवोदय या फिर अपना नाम लिखकर तो प्लीज जरूर बताइएगा, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप लिख के बताना, लाइक और शेयर तो आपने किया ही होगा। चलिए बच्चों अब यहां पर अपना फॉर्म जो है ना वो खत्म होने वाला है, बस इसको मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ कि भाई ये क्या कह रहा है। आई सर्टिफाइड एट द स्कूल्स इन विच
My ward, Studying is a recognized school and fulfills all the eligibility criteria as per NVS requirements. I also understand that even if the candidate had studied in urban area for even a single day in any of the classes 3rd, 4th and 5th, the student will be treated as urban candidate. If any of the information provided is found wrong, the candidature of my ward will be forfeited at any stage even after admission in JNV. I also submit that no change in aforesaid data shall be requested by me in future, and I agree that in case of mismatch in the online and offline data, the data submitted through online mode shall be treated as final. बच्चों इसका मतलब समझा देता हूँ आपको, इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है ये कि मैंने जो भी यहाँ पर जानकारी दी है ना, इसके तहत मेरा बच्चा गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहा है, और जो भी जवाहर नवोदय विद्यालय ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, मानदंड दिया है कि भाई बच्चे की एज क्या है, जो भी है सब कुछ फुलफिल है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है। ये कौन कह रहा है? बच्चे के माँ बाप या फिर बच्चे के गार्जियन कह रहे हैं। दूसरी बात कि यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन है वो एकदम सही है, और अगर कभी भी फ्यूचर में ये इन्फॉर्मेशन जवाहर नवोदय विद्यालय को गलत लगती है या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय कोई भी इंक्वायरी करता है और उस इंक्वायरी में ये पता चलता है कि जो भी हमने ये जानकारी दी थी ऑनलाइन फॉर्म में या फिर इस ऑफलाइन फॉर्म में, तो अगर ये जानकारी गलत पाई जाती है तो मेरे बच्चे को जवाहर नवोदय विद्यालय से निकाला जा सकता है और लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। और अगर मान लीजिए ये आपका ऑनलाइन फॉर्म है और अगर ये आपका ऑफलाइन फॉर्म है और एक ऑनलाइन फॉर्म होगा, ठीक है, दो फॉर्म होंगे, तो अगर ऑफलाइन फॉर्म और ऑनलाइन फॉर्म में कुछ भी मिसमैच होता है, मान लीजिए मिसमैच हो गया, तो ऑनलाइन फॉर्म को फाइनल बताया जाएगा, मतलब कि ऑनलाइन फॉर्म में जो आपने जानकारी दी है उसी को जो है फाइनल किया जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर क्या करना है, बच्चे की सिग्नेचर करना है इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि राजवीर अपने साइन करता है, राजवीर, यहाँ पर बच्चे की पेरेंट्स या तो उसके पापा या उसकी मम्मी कोई भी साइन कर सकता है, जैसे कि सीता जी अपने साइन करते हैं, मान लीजिए कैसे भी करके वो अपने साइन कर देती है और ये अपना हो गया, दैट्स इट। किसी भी हेडमास्टर, किसी और के साइन या फिर किसी कोई भी और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपने को नहीं भरनी है। एंड इसको बच्चों क्या करना है, फोटो खींचना है इसको, एक जो है सही से इसका फोटो खींचना है, सही से इसका फॉर्मेट बनाकर ऑनलाइन फॉर्म जब आप भरते हैं तो उसके अंदर इसको सबमिट करना है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे हमारी ऐसी किसी नेक्स्ट खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।